राज्यसभा के सभापति की ओर से सदन में भारतीय भाषाओं में बोलने का मौका देने संबंधी फैसले का सांसदों ने स्वागत किया। सभापति के आदेश से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं में भाषांतरण की व्यवस्था कर दी गई है। सांसदों का ये मानना है कि इस कदम से वो न केवल अपनी मातृभाषा में विचार रख सकेंगे बल्कि तमाम भाषाओं के बारे में देश के लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति बनने के बाद से ही एम वेंकैया नायडू मातृभाषा में सांसदों को अपनी राय रखने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने इस बात का वायदा भी किया था कि वो भारतीय भाषाओं में भाषांतरण की सुविधा भी सदन में उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में भी 11 मार्च 2018 को अपने मुख्य भाषण में उपराष्ट्रपति ने संकेत दिया था कि वो हर सांसद को मातृभाषा में बोलने का मौका देने की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। ये वादा पूरा करके सभापति ने इतिहास रचा है। राज्यसभा में मॉनसून सत्र से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के भाषांतरण की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कश्मीरी, डोगरी, सिंधी, संथाली, कोंकणी भाषाओं में भाषांतरण की व्यवस्था भी मंगलवार को कर ली गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री विजय गोयल ने इस बाबत सभापति को बधाई दी है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, कि भाई जो साउथ में है उसको नॉर्थ की भाषा सीखनी चाहिए, उसका खान पान उसको पता होना चाहिए और वे उस भाषा में कम से कम कुछ पंक्तियां जरूर जाने। तो मैं समझता हूँ राज्यसभा के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसका श्रेय मैं अपने सभापति वेंकैया नायडू जी को दूंगा कि अब 22 भाषाओं के अंदर कोई भी सांसद अपनी बात को संसद के सदन के अंदर रख सकेगा। राज्यसभा में 22 भारतीय भाषाओं के लिए लंबी चौड़ी व्यवस्था बनाना सहज काम नहीं था। राज्यसभा सचिवालय ने महासचिव देशदीपक वर्मा के निर्देशन में ये सुनिश्चित कराया कि सदन की कार्यवाही के दौरान भाषांतरण की सुविधा उपलब्ध हो सके। जाहिर है इस फैसले से सदस्यों के बीच भाषाई विविधता को बढ़ाने के साथ ज्ञान के विस्तार में भी मदद मिलेगी। राज्यसभा में 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में अनुवादक की व्यवस्था मौजूद थी। 5 भाषाओं में लोकसभा के अनुवादकों को नियुक्त किया गया है, जबकि 5 की व्यवस्था राज्यसभा ने कर ली है। सांसद अपनी भाषा में बिना किसी रुकावट के अपनी बात रख सकते हैं और इससे भाषाई विविधता के साथ एकता भी अलग रंग में दिखेगी। महत्व तो इसी बात से है कि चाहे वो अब ये जो 5 भाषाएं जोड़ी हैं, कश्मीरी है, डोगरी है, संथाली है, सिंधी है, कोंकणी है, ये जो 5ों भाषाएं हैं, कोई कोई तो लोग इनको शायद नाम से भी नहीं जानता होगा जी। तो अब जब ये बात आई है तो जाहिर तौर पे पूरे देश के अंदर इन भाषाओं के प्रति भी जागरूकता और जानकारी बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक भारत एक देश का जो हमारा मोटो है वो उससे बहुत निखर कर आता है। राज्यसभा के सभापति ने नए अनुवादकों के समूह को प्रमाण पत्र देकर मंगलवार को नई जिम्मेदारी के लिए शामिल किया। भाषाई विविधता वाले भारत जैसे देश में ये पहल आसान काम नहीं थी, लेकिन इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। इससे अलग अलग हिस्सों के सांसदों में काफी उत्साह दिख रहा है। अरविंद कुमार सिंह की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।